सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ अपने दादा को ढूंढते हुए शी स्टेट पैलेस एम्पायर में पहुंच गया था, जहां उसने एक ट्रेडर से खजाना खरीदा जो यांग ने शियाओ पर हमला किया था। मगर शियाओ ने उसका एक स्पाइडर ले काट कर उसे बाउल में कैद कर लिया था। तभी वहां पिंक गर्ल और युचन आ गई थी। पिंक गर्ल शियाओ और युचन को लड़ने के लिए रियल मो फेमली पद पर भेजने वाली थी और पिंक गर्ल ने शियाओ को सावधान रहने को कहा था। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ जैसे ही रियल मो फेमली पद में पहुंचता है तो देखता है किस डोमेन में उसका कल्टीवेशन प्रभावित हुआ है। तभी युचन भी वहां टेलीपोर्ट हो जाती है। शियाओ से पूछता है कि क्या तुम वास्तव में ब्यूटियन हॉल की सदस्य हो। युचन उसे कहती है कि मेरे ब्यूटियन हॉल ने हमेशा टैलेंट को महत्व दिया है, अगर तुम चाहो तो तुम भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। शियाओ कहता है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस तुम्हारे ब्यूटियन हॉल को देखने के लिए उत्सुक हूँ। तभी वहाँ पिंगल भी आ जाती है जो युचन को कहती है कि ने तुम्हारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, वास्तव में ये सब बहुत दुर्लभ है। फिर वो शियाओ के पास जाकर कहती है कि तुम इससे डरो मत, ब्यूटियन हॉल महान हो सकता है मगर तुम्हें उसे हराने के बाद मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाऊंगी। तो शियाओ से साइड कर देता है और युचन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने स्वर्गीय पद को एक्टिवेट करता है। ये देखकर युचन कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि किसी ने रेगिस्तान में 10वें स्वर्गीय माँ को खोला है और वो तुम ही थे। फिर वो अपने स्वर्गीय पद को एक्टिवेट करती है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि वास्तव में तुमने भी 10वें स्वर्गीय पद को खोल दिया। आओ अब देखते हैं कि तुम्हारे स्वर्गीय पद में ऐसा क्या अनोखा है। ये कहकर वो अपनी स्पीड से उस पर हमला करने जाता है, मगर युचन अपनी बांसुरी से उसे लड़ने लग जाती है। शियाओ से लात मारकर दूर करता है तो युचन एशियंटिंग रिवर्सल पावर को एक्टिवेट करती है और अपने कई रूप बना लेती है 9 स्वर्गीय में सबसे सुंदर प्राणी के खिलाफ। ये देखकर पिंगल कहती है कि वास्तव में बहन 9 स्वर्गों में सबसे सुंदर प्राणी के खिताब के हकदार है। युचन अब अपने रूपों को शियाओ से लड़ने भेजती है। शियाओ उनके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन युचन के 3 रूप होने की वजह से वो उस पर भारी पड़ रही होती है और वो शियाओ को नीचे गिरा देती है। शियाओ वापस खड़ा हो जाता है और अपने पावर को बढ़ाकर वापस युचन के रूपों पर हमला करता है और एक एक करके उन्हें खत्म कर देता है। युचन अब अपनी फ्लूट पावर को एक्टिवेट करती है और उसके सुरों से शियाओ पर हमला करती है। शियाओ उड़कर बचने की कोशिश करता है मगर वो सुर शियाओ का पीछा करते हैं। शियाओ को भागता देख पिंगल कहती है कि अगर तुम युचन से हार गए तो तुम उसका दिल नहीं जीत सकते। शियाओ कहता है कि मुझे युचन में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो पिंगल शियाओ के पास आकर कहती है कि तुम मेरे एफर्ट को नहीं समझते, शायद तुम डर रहे हो कि तुम फेरी सिस्टर युचन की सुंदरता के लायक नहीं हो, मगर तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बाद में मेरे जीटीएन हॉल के साथ जुड़ सकते हो। शियाओ अब उन सुरों से बचता है और उनके आगे जाकर सोल सोर से उन सुरों पर हमला करता है, लेकिन अभी भी कुछ सुर उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए शियाओ गोड स्टोन को बाहर निकालकर युचन पर फेंकता है, मगर युचन टैंक को मारकर दूर अंतरिक्ष में फेंक देती है। शियाओ अब गुस्सा होकर अपनी प्राचीन शे टेक्निक को बाहर निकालता है और युचन पर हमला करता है, जिससे एक धमाका होता है। टैंक भी अब शियाओ के पास आ जाता है। उसे लगता है कि उसने युचन को हरा दिया, मगर वो उड़कर शियाओ पर हमला करने के लिए आती है। शियाओ उसे अपने शॉट से रोकता है। दूर खड़ी पिंक गर्ल शियाओ से कहती है कि तुम्हें युचन को बताना होगा कि सांसारिक आनंद कितना अच्छा होता है, तुम्हें फेरी के प्यार में पड़ना होगा और उसे अपनी वाइफ और अपने बच्चों की माँ बनाओ। शियाओ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और युचन पर अपनी शॉट से हमला करने लगता है, मगर वो उसके हमले को रोक लेती है। शियाओ आसमान में जाता है और युचन पर हमला करता है, जिससे युचन दूर गिरती है। शियाओ तेजी से उस पर वापस हमला करने के लिए आता है, मगर तभी पिंक गर्ल युचन के पास आकर उसे शियाओ की तरफ फेंक देती है, जिससे शियाओ से अपनी बाहों में पकड़ लेता है। पिंक गर्ल कहती है कि दीदी तुम प्यार से भाग नहीं सकती। शियाओ और युचन भी एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और युचन का मास्क भी खुल जाता है। शियाओ को युचन बहुत सुंदर लगती है, फिर वो उसे नीचे ले आता है। पिंक गर्ल ये सब देखकर खुश हो रही थी और शियाओ से कहती है कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल चुकी है। युचन भी शियाओ को खुद से दूर करती है और उसे खुद को पकड़ने के लिए थप्पड़ मारती है। ये देखकर पिंक गर्ल कहती है कि दीदी बहुत कड़वी है। शियाओ युचन से कहता कि मैं उस वक्त तुम पर हमला कर सकता था, मगर मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन तुमने फिर भी मुझे थप्पड़ मारा, इसीलिए अब से मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। युचन वहाँ से चली जाती है और अब पिंक गर्ल शियाओ को भी उस जगह से बाहर निकाल लेती है, जिससे वो वापस शी स्टेट पैलेस में पहुँच जाते हैं। पिंक गर्ल युचन से कहती है कि तुमने सिर्फ शियाओ को गले लगाया और सरेंडर कर दिया, ये बहुत पेनफुल है,
शियाओ सोचा कि वो बहुत मजबूत है, लेकिन ये सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल बॉडी थी। पिंक गर्ल शियाओ से कहती है कि मेरी दीदी बहुत अच्छी है, मगर वो तुमसे शादी करती तो ये बहुत अच्छा होता। वही अब शी सम्राट पैलेस में अनाउंस किया जाता कि सम्राट शी की पार्टी शुरू होने वाली है और यहाँ सभी प्रेस करने वालों का स्वागत किया जाता है। हम देखते हैं कि शियाओ, पिंक गर्ल और युचन भी शी पैलेस के गेट पर पहुँच चुके थे। पिंक गर्ल शियाओ से कहती है कि तुम्हारा कौशल बहुत अच्छा है, क्या तुम अभी भी मेरे जीटीएन हॉल में शामिल नहीं होना चाहते? शियाओ सोचता कि क्या मुझे जीटीएन हॉल में शामिल होना चाहिए, लेकिन फिर वो कहता कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पिंक गर्ल कहती है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्यूटियन हॉल एक एशियन ग्रेट हॉल होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा वाइड कवरेज क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे स्पेशल एक्सरसाइज है, और तुम कोई कुलीन परिवार के लड़के नहीं हो। भले ही तुम जीनियस हो, पर तुम दूसरों के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। युचन उसे कहती है कि तुम पहले ब्यूटियन पवेलियन के शिष्य थे, क्या तुम जानते हो कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? और उसे बताती है कि ब्यूटियन पवेलियन के पेतक फाउंडर मेरी ब्यूटियन हॉल का एक छात्र था, मगर एक साल वो कुछ बातों की वजह से हमारे हॉल से बाहर चला गया, लेकिन वो वास्तव में वापस आना चाहता था। मगर फिर उन्होंने मुख्य हॉल से एक अलग ही शाखा स्थापित की थी जहाँ तुमने ट्रेनिंग ली। शियाओ सोचता है कि वो ग्रैंडपा गोस्ट थे जिन्हें वो भूत कहकर बुलाता था। युचन कहते हैं कि अगर हम वंशानुक्रम की रेखा के आधार पर देखें तो तुम्हें हमारे ब्यूटियन हॉल का छात्र माना जा सकता है। पिंक गर्ल कहती है कि उस समय तुम्हें उस स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया और अब तुम उसकी शाखा के लोगों को भर्ती करना चाहती हो। और वो शियाओ से पूछती है कि क्या तुम ऐसा करोगे? शियाओ कहता कि अगर दोनों ब्यूटियन पवेलियन एक ही परिवार से थे तो जब हम पर हमला हुआ तो तुम मदद के लिए क्यों नहीं आए? युचन बताती है कि हमें उस रात ये बहुत देर से पता चला था जब तक तुम्हारे ब्यूटियन पवेलियन की घेराबंदी हो चुकी थी, मगर हम अपना ये कर्ज जरूर चुकाएंगे और जल्दी रेगिस्तान अराजकता में होगा संत प्रकट होंगे। इसीलिए तुम मेरे ब्यूटियन हॉल को ज्वाइन कर लो जिससे तुम खुद को बचा सकते हो और मैं तुम्हें सोचने का मौका देती हूँ। ये कहकर अंदर चली जाती है। शियाओ को भी याद आता है कि उसके मास्टर ने भी रेगिस्तानी अराजकता के बारे में सावधान रहने को कहा था कि वो जल्दी आने वाला है। इसीलिए पिंगल से पूछता है कि सभी कहते हैं कि रेगिस्तान अराजकता में आने वाला है, इसका क्या मतलब है? पिंक गर्ल बताती है कि पूरा रेगिस्तान जेल के सिवा कुछ नहीं है, और अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम मेरे जीटीएन हॉल में शामिल होने के लिए मेरे पास आ सकते हो। ये कहकर वो भी अंदर चली जाती है। शियाओ भी अंदर आ जाता है जहाँ उसे लिंगर दिखाई देती है जिसे वो मोटी लड़की कहकर पुकारता है। लिंगर पीछे मुड़ती है तो शियाओ से कहता है कि क्या मैं पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ और क्या तुम मुझे पहचान सकती हो? लिंगर उसे पहचान लेती है कि वो शियाओ है, इसीलिए दौड़कर उसकी तरफ आने लगती है। शियाओ भी अपनी बाएं फैला लेता है मगर उसे हक नहीं करती और एक चाटा मारती हुई कहती है कि मैं मोटी नहीं हूँ। फिर वो दोनों साथ में अंदर एक टेबल पर बैठते हैं। लिंगर कहती है कि वो और युवा वेली बहुत ही बेकार है और मैं तुम्हारे दादा को ढूंढने में जरूर मदद करूंगी कि वो कहाँ छिपे हुए है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात मेरे पिता यू सम्राट से पूछो। शियाओ कहता है कि मोटी लड़की तुम्हारा धन्यवाद। तभी वह वो महल के मास्टर और एल्डर आ जाते हैं जिसमें जीटेंग और जिंजू भी होते हैं, जहाँ युनशी भी आती है, मगर वो शियाओ से चुपकर आगे निकल जाती है। लिंगर शियाओ से कहती है कि जिंजू एक ग्रेट मास्टर है, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। शियाओ कहता है कि मैं जिंजू को जानता हूँ, वो एक बड़ी मकड़ी के सिवा और कुछ नहीं है। लिंगर कहती है कि वो डेमोन स्पीड लेक के सीनियर है। शियाओ कहता है कि वो कोई सीनियर नहीं, बस एक बड़ी मकड़ी है। फिर वो उस स्पाइडर लेक को बाहर निकालता है जो उसने जू यांग की स्पाइडर की तोड़ी थी। शियाओ कहता है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगी, ये गोल्डन स्पाइडर की लेग है, मैंने सुना है कि इसका स्वाद केकड़े की तरह होता है। लिंगर समझ जाती है कि वो जिंजू के पोते की स्पाइडर लेग है, इसीलिए थोड़ी परेशान होती है। वो शियाओ से पूछती है कि क्या वास्तव में गोल्डन स्पाइडर की लेग है? तो शियाओ कहता है कि जिंजू के स्पाइडर की लेग है और उस पर अपने दादा का मसाला डालने लगता है और खाने लग जाता है। जिंजू ये देख लेते हैं और से कहते हैं कि तुम्हारी मत कैसे हुई मेरे पोते को चोट पहुंचाने की, अब तुम्हें मरना होगा, और अपनी पावर से उस पर हमला करते हैं। शियाओ उस बाउल को आगे कर देता है जिसमें जिंजू का पोता जू यांग कहता, इसीलिए अपनी पावर को रोक लेते हैं क्योंकि इससे उनका पोता मर सकता था। फिर वो आगे आकर शियाओ से कहते हैं कि मेरा पोता कुछ टाइम से गायब था, अब मुझे पता चला कि तुमने उसे चुराया है, मैं अब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लिंगर शियाओ को बचाने के लिए वो स्पाइडर लेग ले लेती है और उनसे कहती है कि आपका पोता मुझे परेशान कर रहा था, इसीलिए शियाओ ने उसे कैद कर दिया और अब मैं अपने पिता को भी ये बात बता दूंगी और वही अब इस समस्या का समाधान कर
करेंगे। जिंजू कहते हैं कि तुम भी मेरे पोते को धमकाने वाले इस अपराधी की साथी हो, इसीलिए मैं अग्नि सम्राट से इसके बारे में सवाल करूंगा। शियाओ कहता कि तुम्हारा पोता आम लोगों को धमकाता था और उसने जबरन एक ट्रेडर से चोरी करने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उसे 50 साल के लिए कैद कर दिया ताकि जब वो बाहर निकले तो एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन अगर आप मुझे बता देंगे कि मेरे दादाजी कहाँ है तो मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। जिंजू कहते हैं कि तुम एक बुरे लड़के हो, मैं तुम्हें भी तुम्हारे दादाजी के पास नर्क भेजूंगा। शियाओ कहता कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिंजू कहता कि तुम्हारे दादा ग्रेट डेमन गॉड बहुत कमजोर थे, मैंने उसका सर काट दिया, इसीलिए मेरे पोते को छोड़ दो, मैं तुम्हारी लाश के टुकड़े नहीं करूंगा। शियाओ को इससे गुस्सा आ जाता है और वो बाउल में कैद जू यांग को बाहर निकालता है और जिंजू के सामने ही उसे मार देता है। जिंजू गुस्से में कहते हैं कि मेरे पोते को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वास्तव में तुम मरना चाहते हो। शियाओ जिंजू पर अपनी तलवार से हमला करने चाहता है लेकिन जिंजू उसके वार से बचता है और शियाओ पर हमला करके उसकी गर्दन पकड़ लेता है। ये देखकर वहाँ मौजूद मास्टर डर जाते हैं कि जिंजू गुस्से में है, इसीलिए वहाँ से निकल जाते हैं। लिंगर शियाओ की मदद करने जाती है मगर उसके साथी उसे रोक लेते हैं। शियाओ को पेगोड़ा कहता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, मगर तभी वहाँ मास्टर किंग तियान आकर जिंजू पर हमला करते हैं लेकिन जिंजू उनके हमले को रोक लेता है। किंग तियान जिंजू से कहता है कि इस लड़के को मुझे सौंप दो, इसने मेरे पोते किंग यून को मार डाला, इसीलिए मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। पेगोड़ा शियाओ से कहता है कि तुम वाकई बहुत अच्छे हो, तुम्हें बहुत से लोग मारना चाहते हैं। तभी वहाँ यून शिया आती है जो मास्टर किंग तियान से कहती है कि किंग यून ही पहले शियाओ को मारना चाहता था, मगर तियान उसे चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि मैं इसे बदला लेकर रहूंगा। जिंजू से कहता कि मेरे डेमोन स्पिरिट लेक को तुम्हारे आदिम गॉड माउंटेन से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम मेरे पोते की मौत की तुलना अपने पोते से नहीं कर सकते, और वो दोनों इस बात के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि उनमें से कौन शियाओ को मारेगा। शियाओ भी अब खड़ा हो जाता है और ने कहता कि तुम दोनों को इतना शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों बूढ़े एक साथ मुझसे लड़ सकते हो। सभी इसे हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ शी सम्राट भी आ जाते हैं, इसीलिए सभी उनके सामने सर झुकाने लगते हैं। लिंगर भी शियाओ का सर झुकाती है। शी सम्राट जिंजू और किंग तियान से कहते हैं कि तुम्हें मेरे मुख्य होल को नष्ट नहीं करना चाहिए, वो भी सिर्फ एक लड़के के लिए। तो जीटेंग उन्हें कहता कि शी किंगडम के कानूनों के हिसाब से सम्राट शी को किसी के लड़ने से शिकायत है, वो महल के कोर्टयार्ड में जाकर लड़ सकते हैं और इसमें किसी को दखल देने का भी अधिकार नहीं होगा, चाहे जीवन और मृत्यु की लड़ाई क्यों ना हो। लिंगर और यूशी इससे परेशान हो जाती है क्योंकि वो दोनों शियाओ की परवाह करती थी। जिंजू और किंग तियान सम्राट शी को अपनी लड़ाई का गवाह बनने को कहते हैं। शी सम्राट उन्हें कहते हैं कि तुम एक लड़के के खिलाफ दो लड़ना चाहते हो, ये किस तरह की फाइट है। जिंजू कहते हैं कि शी किंगडम में ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक साथ तीन लोग नहीं लड़ सकते, और क्या अब आप खुद ही अपने पूर्वजों के नियम को बदलना चाहते हैं। शी सम्राट गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारा ये साहस, वहाँ मौजूद सभी लोग इससे हिल जाते हैं और कुछ पिलर भी टूट जाते हैं। शियाओ सम्राट से कहता कि आपको मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उनसे एक ही समय में साथ लड़ना चाहता हूँ। जीटेंग इससे खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो मारा जाएगा। शी सम्राट उसे कहते हैं कि तुमने अपना निर्णय ले लिया है, इसीलिए तुम महल के आंगन में जाकर लड़ सकते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।